हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज लॉ अकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने राजस्थान जीएलओ के लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले का पार्ट आपके अपने चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं और हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है तो ऑल द बेस्ट, नहीं की है तो भैया किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ जाइए और जो है अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्टअप दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, सीआरपीसी से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट या आप कह सकते हो कि सिलेबस का चैप्टर जो है वो आपका कवर करेगा। तो आज की इस वीडियो के अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दिया जाएगा, आप वहाँ से प्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विक्टिम इंक्लूड्स, विक्टिम की डेफिनेशन जो है उसके अंदर कौन कौन आता है, विक्टिम, लीगल हायर। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर, मार्क कर लीजिएगा। सीआरपीसी सब्सटैंटिव है, प्रोसीजरल है, तो सीआरपीसी जो है सब्सटैंटिव नहीं है, ये प्रोसीजरल है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि सब्सटैंटिव वो होता है जो रेमेडीज़ को बताता है और प्रोसीजरल वो होता है जो उन रेमेडीज़ को बताने का जो तरीका है, वहाँ तक अचीव करने का जो तरीका है वो बताता है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्राइम से डील करने का जो कोड होता है वो सीआरपीसी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आइएगा। इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा की जाती है, पुलिस ऑफिसर, यस, मजिस्ट्रेट, नो, एनी पर्सन, यस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन एरिया, सॉरी, एनुमरेटेड इन विच प्रोविजन, मेट्रोपॉलिटन एरिया से रिलेटेड कौन सा प्रोविजन है। डेफिनेशन की बात की जाए तो 2K है और सेक्शन की बात की जाए तो सेक्शन नंबर 8 है, ये चीज़ याद रखिएगा। सीआरपीसी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू, सीआरपीसी नागालैंड पर भी अप्लाई नहीं करती है, ट्राइबल एरियाज पर भी अप्लाई नहीं करती है। और ये किस केस से आया था, जम्मू कश्मीर पर, जम्मू कश्मीर पर अब 2019 की अमेंडमेंट के बाद ये करती है, तो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। नागालैंड और ट्राइबल एरियाज का जो था वो एक केस आया था, स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस रतन सिंह, स्टेट ऑफ नागालैंड, रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड। द सीआरपीसी एक्सटेंड्स टू द नोवेयर, भैया करती है, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जे एंड के पे भी करती है। होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द प्रोविजन रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10, 11 शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज, करेक्ट, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। एज पर चार्ज, सीआरपीसी चार्ज इज डिफाइंड एज एक्ट डन बाय पुलिस, नो, स्टेटमेंट गिवन बिफोर मजिस्ट्रेट, नो, एनी हेड ऑफ द चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड देन वंस, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको मार्क कर लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑफेंस जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट हो, एन ऑफेंस फॉर विच पुलिस ऑफिसर इज ऑथराइज टू अरेस्ट विदाउट वारंट, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य क्या है, अरेस्ट एक्यूज को नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, टू कलेक्ट द एविडेंस, ये इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है। और इन्वेस्टिगेशन किसी पर्सन के द्वारा और पुलिस अधिकारी दोनों के द्वारा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन, ADA, APO या APP कौन से सेक्शन में अपॉइंट है, इसका जवाब आप जो है कमेंट सेक्शन में मेरे को देंगे। 24 है, 25 है, चलो 25 है भैया करेक्ट आंसर, बता देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप वो मार्क करिएगा जो है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इट इज़ प्रोवाइडेड दैट एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट और अ पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एस, नहीं यहाँ पर एड कर लीजिएगा इसको प्लीज़, तो हाँ जी करेक्ट ऑप्शन क्या है, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37, 37 इज द करेक्ट ऑप्शन, मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। अप टू हाउ मच पीरियड अ पर्सन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर मे बी कैप्ट इन अ पुलिस कस्टडी, मतलब 24 घंटे का जो पीरियड है ये याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 57 सीआरपीसी का ये डील करता है। आज के इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको राजस्थान जेएलओ की हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं, नंबर है 8377032873।
टोटल टेस्ट 80 हैं, लॉ के 60 हैं, लैंग्वेज 20 है। आप इस नंबर पर जो है कॉल या व्हाट्सअप करके फ्री सैंपल्स ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपकी पीडीएफ प्लस ऐप दोनों में होगी। ऐप को आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं और हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आप ओनली लॉ लेना चाहते हैं तो 799, ओनली लैंग्वेज 499, कम्प्लीट अगर आप लेना चाहते हैं तो 999 में आपको ये टेस्ट सीरीज़ अवेल कराई जा रही है। सो आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें, साथ बनाए रखें।